YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज लाइव। दोस्तों, मुख्तार अंसारी की मौत हो चुकी है और उन्हें उनके पुश्तैनी कब्रिस्तान कालीबाग में दफन कर दिया गया है। लेकिन गाजीपुर की राजनीति में केंद्र में अभी भी मुख्तार अंसारी हैं। मुख्तार के बड़े भाई सपा प्रत्याशी हैं, जहां अपनी चुनावी सभाओं में मुख्तार अंसारी को मसीहा बता रहे हैं और मुख्तार की तुलना शहीद भगत सिंह और राजगुरु से कर रहे हैं। तो वहीं बीजेपी प्रत्याशी पारसनाथ राय मुख्तार को आतंकवादी बता रहे हैं। पारसनाथ राय के बेटे और भाजपा नेता आशुतोष राय ने भी मुख्तार को भारत का सबसे बड़ा आरताई बताते हुए उन्हें कालनेमी कहा था। अफजल अंसारी ने अपनी एक चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे, उस समय मुख्तार की तुलना देश के शहीदों से कर दिया था और उनका वीडियो तेजी से वायरल हुआ था। अफजल अंसारी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आपने सम्मान और अधिकार के लिए फिर एक आज़ादी की जंग शुरू हो चुकी है और इसमें भी कुर्बानी देनी पड़ेगी। वतन को आज़ाद करने की लड़ाई में राजगुरु, सुखदेव, असफकुल्ला, बिस्मिल, भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद ये सोच लिए होते कि आज़ादी की लड़ाई में हमारी जान चली जाएगी तो शायद देश आज़ाद नहीं होता। आज हमें फिर आज़ादी की लड़ाई लड़नी है और इसमें कुर्बानी देनी पड़ेगी। क्या बोले पारसनाथ राय? पारसनाथ राय ने यह भी कहा कि अफजल अंसारी ने देश के क्रांतिकारियों की तुलना अपने आतंकवादी भाई से की है, इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है। आज़ाद, चंद्रशेखर, राजगुरु और सुखदेव ये सभी हमारे आदर्श हैं। क्या आपका आतंकवादी भाई भी हमारा आदर्श हो जाए, जिससे न जाने कितनी माताओं के सिंदूर लूटे हैं। आप तुलना करने में भी अपने जमान को संभालिए, परिवारवाद की कोई सीमा होनी चाहिए। पारसनाथ राय ने अफजल अंसारी द्वारा अपने बेटी को चुनावी मैदान में उतारने पर भी तंज कसा और कहा कि परिवारवाद की कोई सीमा तो होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव के घर में जितने लोग हैं सभी चुनाव लड़ रहे हैं, अफजल अंसारी भी अपने बेटी को आगे कर रहे हैं। उनको अपना कोई कार्यकर्ता ऐसा नहीं मिला जिससे वो चुनाव लड़ा सके। उनका वश चले तो अपने परिवार के 18 साल से कम वालों को भी चुनाव लड़ा देते हैं, अपने आतंकवादी भाई या बेटे उसकी पत्नी को ही लड़ा देते हैं। तो इस तरीके की बातें सामने आई है। जिस तरीके से पारसनाथ राय ने मुख्तार अंसारी को आतंकवादी बताया है, उस पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें जरूर बताइए। धन्यवाद।